कहाँ जाना भाई साहब? हाटा। हाटा कैसे जाएंगे? बस तो बंद बा। ठीक कहाँ है? वही नहीं जाना, पता नहीं था। पता कर लीजिए हमसे, बस बंद है, तमाम जो है कर्मचारी धरने पे हैं, बस के ड्राइवर। हाँ, तो कैसे जाएंगे हाटा? नया साल तो गड़बड़ हो गई बहुत ज्यादा। कहाँ से आ रहा है? हम आ रहे हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से भाई आए थे कि गांव में जाएंगे नया साल मनाने, लेकिन जो है दो चार घंटा और लेट हो जाएंगे घर पहुँचते। यही ना, तो बस तो कोई आप लोग को मिला नहीं अभी तक? नहीं। कैसे पहुंचेगा अपने मंजिल पे? देखा जाएगा। विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार है। मुख्यमंत्री का शहर गोरखपुर और नया साल, और नया साल के दिन ये तमाम पैसेंजर बेहाल है। किसी को अपने घर पे जाना है, किसी को रिलेशन में जाना है, किसी को हॉस्पिटल में जाना है। हमारे पीछे आप देखेंगे एक बड़ी संख्या में ये तमाम लोग हैं, कोई प्रदेश से नया साल का दिन अपने घर पे आया है, लेकिन जब गोरखपुर आने के बाद उनको बस की सुविधा, रोडवेज की सुविधा नहीं मिल पा रही है। तमाम ड्राइवर लोग आखिर क्यों जो है ये धरना कर रहे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है, और आखिर क्यों जो है आज गोरखपुर से बस नहीं चल रही है, बताइए। बात ऐसा है कि अमित शाह जी ने ये नियम लगाया है कि अगर जो कोई भी गाड़ी से चालक से एक्सीडेंट होता है तो 10 साल की सजा है, 10 लाख रुपए जुर्माना है। अगर एक व्यक्ति ड्राइवर के पास 10 लाख रुपया रहेगा तो कहाँ से आएगा, ड्राइवरी करने आएगा, वो कहाँ से देगा पैसा? अच्छा, आप लोग की यही मांग है कि ये जो नया, उसके बाद से बोले जो घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा तो 7 लाख रुपया 10 साल का जेल। अगर जो घायल व्यक्ति को हम हॉस्पिटल ले जाएंगे तो आम जनता मार के ड्राइवर को मार डालेगी। इसी के विरोध में जो है आप लोग जो है, ये इनका नियम गलत है, ये अपना ये फैसला वापस ले। क्या मांग है आप लोग? मांग ये है कि ये फैसला वापस ले, ऐसा नहीं हो पाएगा। और एक्सीडेंट तो होना ही होना है, किसी से भी होगा। नहीं, एक्सीडेंट तो एक कोई ड्राइवर जानबूझ के तो नहीं करेगा। मान लीजिए मैं सीधा जा रहा हूँ, कोई बाइक वाला आ गया, कोई कार वाला आ गया, कोई कितना करेगा? 10 लाख रुपया कौन देगा? तो ये एक बड़ी मांग है आप लोग की। जी, लेकिन आम जनता परेशान है कहीं ना कहीं। आम जनता परेशान, तो इसके लिए सरकार सोचे। आम जनता के अभी 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 कोई जो है आपके रोडवेज विभाग से कोई अधिकारी आरम या कोई ऐसा आया जो आप लोगों को कुछ आश्वासन दिया? नहीं दे पाएगा सर, कोई ड्राइवर नहीं जाएगा, हम लोग आगे जाके मार खाएंगे। अच्छा, हाँ, तो अगला रोल क्या होगा? क्या ये अपना फैसला वापस लेंगे तभी कुछ होगा? वापस नहीं लेंगे जब तक फैसला वापस नहीं होगा। कोई सेवा में नहीं आएंगे तब तक, कोई सेवा में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। आप हमें जवाब दीजिए, आप दो पहिया वाहन चलाते हुए जा रहे हैं, किसी कारणवश आपकी गलती ना होते हुए भी किसी बच्चा चोट खा जाता है, कोई और दुर्घटना हो जाती है, क्या आप रुक कर उसकी सहायता करेंगे, हाँ या ना? सहायता करने का नजरिया सबका अलग अलग होता है, और सहायता कर सकते हैं। सहायता करेंगे तो आप सहायता नहीं कर पाएंगे, आपको वहाँ पीटा जाएगा, यह आम दिन देखने को मिल रहा है। आप लोग की यही मांग है, अपना कानून वापस लीजिए सर। वो भी अमित शाह जी चाहे नरेंद्र मोदी चाहे कोई भी है नेता लोग, वो भी गाड़ी से जाते हैं तो उनके लिए पूरा शासन लग के पूरा रोड बंद करके वो जाते हैं, उनके लिए रास्ता क्लियर होती है। हम लोग के लिए कौन सा होता है? प्रोटोकॉल होता है। तो तमाम जो है रोडवेज के ड्राइवर हैं, उनकी ये मांग है जो सरकार द्वारा जो नया कानून आया है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसमें 10 साल की सजा होगी और 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। उनकी सहायता करेंगे घायल व्यक्ति की, पर ये आप कह सकते हैं कि उस ड्राइवर को, उस वाहन चालक को कोई भी क्षति ना पहुंचे, हम बिल्कुल उसके सहयोग में खड़े होंगे, तुरंत खड़े होंगे, कोई भी दुर्घटना हो, मेरी गलती रहे ना रहे। अच्छा, उसकी सरकार कुछ करेक्शन करे तो आप लोग इस कानून का समर्थन दे सकते। पब्लिक से हमें कोई हानि नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है, लेकिन इस बड़ा सवाल के बीच एक बड़ा दर्द भी आप सबको देखने को मिलेगा। ये तमाम महिलाएं कहाँ जा रही है? बहन जी कहाँ जाना था आपको? माता जी कहाँ जाना था? लाटाम जाना है। बस कब से इंतजार कर रही हैं? हम तो डेढ़ घंटे से इंतजार कर रहे हैं। नया साल कैसे मनी? तो अब योगी जी मनवावे यहीं पे। नया साल गड़बड़ हो गई ना? गड़बड़ हो गई, डेढ़ घंटे से इंतजार कर रही हैं। अकेले औरत है, कैसे जाएगी? कैसे? अच्छा, ये बताया जा रहा है कि जो ये ड्राइवर लोग हैं और कुछ प्राइवेट गाड़ी आ रही है तो उसमें बैठने नहीं दे रहे हैं क्या? नहीं, रिक्शा वाले को तो जाने ही नहीं दिए। रिक्शा वाले को जाने भी नहीं दिए, यहीं पर उतार दिया, भाग गया। अच्छा, तो इन पैसेंजरों का एक भी आरोप है कि यहाँ और कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं आ रही है, और इसके वजह से आज जो है नया साल का दिन है, तमाम बच्चे उनको जो है अलग अलग जगहों पे जाना है, उनकी दिक्कतें सामना करना पड़ा। कहाँ जाना था आपको? पड़ावना। बस का कब से इंतजार कर रही है? सुबह सात बजे 12 बजे वाला बाटे। कहाँ जाना है भाई साहब? पड़ावना। पहुंच पाएंगे पटरौना?
हाँ पहुँच पाएंगे, मंगाए घर से गाड़ी हम। अच्छा घर से गाड़ी मंगाए, लेकिन सवाल ये जिसके पास गाड़ी अपनी नहीं होगी वो कैसे जाएगा, है ना? अब वो भी बात है, जिनके पास गाड़ी नहीं है वो इंतजार करेंगे। लोग कर रहा है कहीं ना कहीं, आज के दिन तो नहीं होना चाहिए क्योंकि नया साल का दिन ना, आज के दिन तो नहीं होना चाहिए, होना भी चाहिए तो पहले आप सूचित हाँ, कर देते जी, ताकि लोग अपनी व्यवस्था कर सकते पहले जी। बस पकड़ना है, कहाँ जाए हैलाबाद? हैलाबाद जाना है। बाबा जी की उम्र देखिए, और बोल भी नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो तमाम पैसेंजरों को जो है सरकार और रोडवेज बस के जो ड्राइवर हैं उनके कानून और उसके विरोध में जो अनबन है, कहीं ना कहीं पैसेंजरों को जो है कहाँ कहाँ जाएगा? रुद्रपुर। रुद्रपुर तो बस मिला ला, बस मिला है? बस नहीं मिला है ना, कब से बस का इंतजार कर रहे हैं? अबे आप कब से आई है? अच्छा तो 20 मिनट से कोई इंतजार कर रहा है, कोई एक घंटे से इंतजार कर रहा है, और कोई इंतजार करके थक गया है तो वो कोई घर के लोग को या फिर जो है किसी की सहायता लेके जा रहा है। तो ये गोरखपुर बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन के सटे बस स्टैंड है, और ये तमाम रोडवेज के ड्राइवर हैं, इनका कहना ये है शासन द्वारा जो कानून आया है जिसमें अगर एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर को 10 लाख रुपये और 10 साल तक की सजा हो सकती है। इन लोगों का कहना ये है कि अगर सरकार इस कानून को वापस जब तक नहीं लेगी तब तक जो है हम रोड के बसों का संचालन नहीं करेंगे, तब तक हम बस नहीं चलाएंगे, सरकार चाहे कुछ भी कर दी। आरोप यह भी है तमाम पैसेंजरों का कि यहाँ पे जो प्राइवेट वाहन आ रहे हैं उनको सवारी उसमें बैठने नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आज का दिन नया साल का दिन, और तमाम परिवार जो है प्रदेश से जो है अपने गाँव आता है, अपने घर आता है, लेकिन उन लोग को जो है दिक्कतों का सामना इसलिए करना पड़ रहा है कि गोरखपुर से अलग अलग क्षेत्रों में जिनको जाना है, चाहे कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, बस्ती, खलीलाबाद, उन जगहों पे नहीं जा पा रहे हैं। और कारण यह है कि तमाम जो है रोडवेज के बस ड्राइवर हैं वो धरने पे हैं, उनका प्रदर्शन करने का मकसद ये है कि ये जो नया कानून है इसको वापस लिया जाए। गोरखपुर से विष्णु कुमार गांव वाले रिपोर्टर।